नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जिले भर में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए ब्लॉक वाइज दो लोगों को कंप्यूटर द्वारा रैंडमली उपहार स्वरूप टच मोबाइल देने की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत 15 से 18 सितंबर को कोविड वैक्सीन टीकाकरण कराने पर आकर्षक उपहार पाने का मौका दिया जा रहा है। जिसके अंतर्गत 15 सितंबर 2021 को प्रत्येक स्वास्थ्य ब्लॉक पर टीकाकरण कराने आए व्यक्तियों में से कंप्यूटर द्वारा रैंडम चुने गए दो व्यक्तियों को आकर्षक उपहार के रूप में टच मोबाइल दिया जा रहा है। भिंड स्वास्थ्य ब्लॉक से रैंडमली चयनित श्रीमती रिंकी निवासी भीमनगर को नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओपीएस भदौरिया एवं कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने मोबाइल उपहार में दिया है। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि जल्द ही भिंड में वैक्सीन का कार्य कंप्लीट कर लिया जाएगा और आने वाली तीसरी लहर से जनता को बचाया जा सकेगा। वहीं उपहारकृत महिला ने बताया कि बच्चा छोटा होने की वजह से टीकाकरण नहीं करवा पाए थे, लेकिन अब टीका लगवा लिया है और मोहल्ले के लोगों को भी जागरूक करूंगी। आज आपको ये मोबाइल मिला है, क्यों मिला है आपको मोबाइल? आज मिला। हाँ, मोबाइल क्यों मिला है आपको? वैक्सीन लगवाने। तो वैक्सीन आपने लगवाया तो आज आपको कौन सा डोज था? ये पहला डोज था। तो अभी तक आपने क्यों नहीं लगवाया? तो आप कहाँ के रहने वाले? क्या नाम लिखते हो? आप इसके बाद ये आपको ये मिल गया है मोबाइल, इसके बाद आप गांव जाओगे तो क्या कहोगे सर? इसके बाद क्या बोलते हैं? आज सर वैक्सीन लगाने के बज में सर लकी ड्रॉ के माध्यम से मोबाइल दिया गया है। आप भिंड जिले में टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुझान टीकाकरण की तरफ बढ़े, चिकित्सा विभाग ने और जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है। अभी वर्तमान में प्रत्येक ब्लॉक में, हमारे यहाँ 7 ब्लॉक हैं, दो दो लोगों को पुरस्कृत किया गया है। कल से प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 5 लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। और इस पुरस्कार का मकसद या आशय ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण के प्रति आकर्षण बढ़े, रुझान बढ़े और भिंड जिले में टीकाकरण सर्वाधिक हो सके, ये प्रयास चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन का है। तो एक बहुत ही सराहनीय और अच्छा कदम है। भिंड जिले का जो टारगेट दिया गया है उस टारगेट से अधिक लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें हमारा स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कामयाब होगा। 100% वैक्सीनेशन कब तक संभव है भिंड जिले में और प्रदेश में? पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि 26 सितंबर तक कोई भी व्यक्ति जिसको कम से कम एक डोज लग गया हो, ऐसा कोई व्यक्ति बाकी ना रहे। 100% टीकाकरण का जो लक्ष्य है वो 26 सितंबर तक का है और हमारा ये प्रयास है कि भिंड में भी इस लक्ष्य को हम समय रहते हुए पूरा करेंगे। क्योंकि भिंड जिले का एक बहुत बड़ा वर्ग, लगभग 25-30% व्यक्ति रोजगार या व्यवसाय की तलाश में बाहर हैं, तो हमारा ये प्रयास है कि जितने लोग यहाँ हैं उनका टीकाकरण संभव हो सके, ये इस दिशा में हमारा काम चल रहा है। बड़ी परसेंटेज में प्रदेश में टीकाकरण हुआ है, इसी की वजह से तीसरी लहर की क्या प्रदेश में कम संभावना दिखाई दे रही है? बिल्कुल, हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं तीसरी लहर से लड़ने के लिए और टीकाकरण उसमें एक बहुत बड़ा हथियार है और उस हथियार का उपयोग हम कोरोना से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। और भगवान ने चाहा तो तीसरी लहर और शासन का जो प्रयास है, जो ढांचा हमने विकसित किया है, तीसरी लहर या तो मध्य प्रदेश में आने नहीं देंगे और अगर आई भी तो उतना प्रभावी ढंग से हम जनता पे उसको नहीं फैलने। कई राज्य आज भी विकराल चपेट में है कोरोना की में, लेकिन मध्य प्रदेश बचा हुआ है, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे आप? इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सार्थक प्रयास, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और सामूहिक टीम भावना से जो काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में हम कोरोना की भयावहता से बचने में कामयाब हुए हैं और आगे भी रहेंगे। थैंक यू।